बहुत बार सवाल पूछते थे कि स्क्रैपिंग का क्या हुआ, तो सवाल सुनते सुनते मुझे लग रहा था कि अब मेरा ही स्क्रैपिंग करना क्योंकि काफ़ी देरी लग रही थी। पर इस समय हमें इसके बारे में पूरी पॉलिसी रोकने के बाद सभी मंत्रालय का सहयोग लेकर राज्य सरकार से बातचीत करके ये पॉलिसी आई है। एक मिनट, हाँ मैं ये नहीं, इधर है, इधर ऐसा है, माइक को स्क्रैप नहीं करना, टीवी वालों ने माइक को दबा दिया आवाज को। अभी आ रही आवाज? आदरणीय वित्त मंत्री जी ने अपने फाइनेंशियल भाषण के इसमें बजट में कहा था कि हम स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारे में उसका उल्लेख भी था, और उसके बाद में मैंने आपको आश्वस्त किया था कि 15 दिन के अंदर हम इस पॉलिसी के बारे में पूरी पॉलिसी डिक्लेयर करेंगे। तो उसका पार्ट पार्ट में हमने काफ़ी बातों का डिक्लेरेशन किया है, कुछ पब्लिक डोमेन में रखा है। आपको एक किताब देने वाले हैं, उसमें आपको काफ़ी जानकारी इसकी। विमोचन वाली नहीं है ये, आपके जानकारी के लिए है। इसमें इसके साथ साथ भारत में टोटल 51 लाख हल्के मोटर वाहन थे जो 20 वर्ष से अधिक पुराने हैं, और 34 लाख हल्के मोटर वाहन जो थे वो 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इन वाहनों से आपको पता है कि सुरक्षा के दृष्टि से भी अड़चन थी, फ्यूल कंजम्पशन भी ज़्यादा लगता था जो हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, और प्रदूषण के कारण भी काफ़ी गंभीर समस्या थी। तो एक्सीडेंट्स, प्रदूषण और उसके साथ साथ आर्थिक दृष्टि से भी एक समस्या थी। वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के बिना लगभग 17 लाख मध्यम और भारी कमर्शियल वाहन हैं जो 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं, और पुराने वाहन फिट वाहनों की तुलना में 10 से 12 गुना अधिक पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। मैंने अभी राज्यसभा में एक उदाहरण बताया कि मैं 1974 में कॉलेज में गया था, पहले साल 74, तो मुझे स्कूटर खरीदी थी, तो मेरे स्कूटर का एवरेज था 24 किलोमीटर पर ये, तो मैं कहता था कि मैंने बहुत अच्छे स्कूटर लिए जिसका एवरेज 24 किलोमीटर पर लीटर है। अभी हमारे टू व्हीलर का एवरेज 84 किलोमीटर तक गया हुआ है। तो पहली बात ये, गरीब लोगों के ऊपर, मध्यम वर्गियों के ऊपर एक भाव ऐसा आता है कि अब बेचारे क्या करेंगे। तो जो एवरेज है ये नई टेक्नोलॉजी के साथ सुरक्षा और एवरेज बढ़ने के कारण ये और फायदे का है। दूसरी ओर जो हमने टेक्नोलॉजी नई नई लाई है, इलेक्ट्रिक की लाई है, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, और बाद में इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन फ्यूल सेल का भी अब आ रही है, और इसमें काफ़ी बड़ा काम हो रहा है। बीच में मेरे यहाँ मीटिंग हुई थी, सोडियम आयन, लिथियम आयन के साथ साथ जिंक आयन, एल्यूमिनियम आयन और स्टील आयन, सब इसमें काम हो रहा है। अभी हमारे ऊर्जा मंत्रालय ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बस भी शुरू कर रहे हैं वो, और पानी से ग्रीन हाइड्रोजन निकाल रहे हैं। तो ये नई टेक्नोलॉजी के कारण ये विन विन सिचुएशन है। मैं आपको पहली बार ये अनुरोध करूँगा कि ये किसी के ऊपर भूर्दंड या पेनाल्टी नहीं है, ये विन विन है और सबके फायदे के लिए है। इससे पोल्यूशन भी कम होगा, स्वच्छ पर्यावरण, वाहन चालक एवं पदयात्रियों की सुरक्षा के हितों में सड़क परिवहन राजमार्ग में वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम VVMP अथवा स्क्रैपिंग नीति अंग्रेजी में, उसका अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। इसका पहले मैंने कहा कि आप पहली बार, मैं अनुरोध करूँगा कि ये गरीबों के विरोध में वगैरह नहीं है, उनके हितों में है, सबका इसमें फायदा होगा, सुरक्षा के दृष्टि से, पर्यावरण के दृष्टि से और फ्यूल इफिशेंसी के दृष्टि से, टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। और आने वाले इसमें मैं आपको लोगों को भी कहूँगा कि आप लोग अभी पेट्रोल कार, मैंने बहुत पत्रकारों से बातचीत की, वो तो कह रहे थे कि 15 से 20 हज़ार रुपये हमारे गाड़ी पर पेट्रोल का खर्चा होता है। अभी मैं इलेक्ट्रिक कार में घूमता हूँ नागपुर में, मैंने अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी छोड़ दी, तो मेरा खर्चा 2000 रुपये केवल है, तो 15-16 हज़ार 18 हज़ार रुपये महीने की बचत है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक है और रात को घर में चार्ज होती है। तो आपकी स्कूटर और आपकी कार आज कीमत ज़्यादा है, बस की, इलेक्ट्रिक की, सबकी कीमत, पर 2 साल के अंदर मैं ये उम्मीद करता हूँ कि टेक्नोलॉजी इतनी पॉपुलर होगी, प्रोडक्शन नंबर इतना बढ़ेगा कि पेट्रोल की बाइक और स्कूटर और पेट्रोल की कार और डीजल की बस
इनकी कीमत, ये इलेक्ट्रिक की बाइक और इलेक्ट्रिक की कार और इलेक्ट्रिक की बस 2 साल में बराबर में होगी। इतना रिवोल्यूशन हो जाएगा, जैसे नंबर बढ़ेगा लो लिथियम आयन बैटरी की भी कीमत कम हो रही है। तो ये सब के लिए विन विन है। आप पुराने व्हीकल के लिए जितना पेट्रोल का खर्चा कर रहे थे उसमें आपकी 10-12 हज़ार रुपये महीने की बचत होगी। यानी पत्रकार के नाते भी आपकी स्कूटर और आपकी कार आपने बदली तो भले आपका कोविड के कारण तनख्वाह बढ़ा नहीं बढ़ा मालूम नहीं, पर आपका इस काल में हमारे कारण आपका सेविंग हो जाएगा 12 से 15 हज़ार रुपये महीने का। तो ये एक फ़ायदा आपको होगा। और वैसे भी अभी NH6 ना जो बड़ा बना है, जो आप लोग उधर ही रहते हैं ना यमुना के पार, तो मुझे सब लोग कहते कि पहले 1.5 घंटा लगता था, अब 15 मिनट में आते हो। तो 15 मिनट में आओगे और इलेक्ट्रिक की गाड़ी होगी तो फिर बचत ही बचत है, सोने में सुहागन है। तो ये किसी के ऊपर ये नहीं है, यानी विन विन सिचुएशन है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसमें कम होगी, क्योंकि अभी हमने अभी पंजाब में एक फैक्ट्री है जो बाहर का स्क्रैप भी यूज़ कर रही है, तो इसमें आयरन, हमने स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर, रबर एंड स्टील प्लास्टिक, ये रिसाइकलिंग होगा। और अभी मैं MSME के ओर से, जैसे बड़े बड़े 12 मेजर पोर्ट है, तो उसी समय हमने ये सोचकर तो ड्राफ्ट 18 मीटर का किया है। इसका मतलब ये है कि 2 लाख टन का शिप आ सकता है। तो 2 लाख टन का शिप यानी जो छोटे छोटे देश है जहाँ पुराने कारों के लिए स्क्रैपिंग के लिए कोई इंडस्ट्री नहीं है, वो लोग अपनी कारों को ऐसा एक प्रेस में दबाते हैं और वो जैसे बेल बनती है वैसे वो कारों को रखकर वो जहाज में लाते हैं। तो हमने इसके लिए निश्चित रूप से स्टील, रबर, प्लास्टिक, एल्युमिनियम, कॉपर सस्ता होगा। अभी हम कॉपर और एल्युमिनियम इंपोर्ट कर रहे हैं, आपको पता होगा हमारे देश में उसकी कमी है, और स्टील का भी आपको पता है कि बीच में ज़रा कैसे भाव बढ़े थे। तो ये स्क्रैपिंग के कारण ये स्टील भी बड़े प्रमाण पर उपलब्ध होगा। तो इसमें निश्चित रूप से हमारी जो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स की जो कीमतें हैं वो 30 से 40% कम होने की संभावना है। और अभी हम लोग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब है। आज मैंने जानकारी ली, हमारा टोटल टर्नओवर 7.5 लाख करोड़ का है और इसमें 3.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाली इंडस्ट्री है, तो इसके कारण हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और काफ़ी फायदा होगा। अब ये ऑटोमोबाइल सेक्टर का, इसमें स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू होने पर निश्चित रूप से नया एम्प्लॉयमेंट खड़ा होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, GDP ग्रोथ रेट बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा और इसके कारण एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा और प्रदूषण कम होगा। और ये बहुत अच्छा है कि नई टेक्नोलॉजी की चीज़ें लोगों तक जाने से उनका भी फायदा होगा। ये स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू होने पर करीब सेंटर्स, ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर्स, ये PPP मोड में हम कर रहे हैं, इसमें 10,000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश होगा और 35,000 लोगों को इसमें डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ये फिटनेस सेंटर अब देश में हमको खोलने हैं और इसके लिए ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर भी बहुत कमी है। हमारे यहाँ 22 लाख ड्राइवरों की कमी है और अभी हम बड़े प्रमाण पर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, फिटनेस और पोल्यूशन सर्टिफिकेट देने वाले ये जो सेंटर्स हैं ये PPP मोड में कर रहे हैं और इसके डिटेल पॉलिसी हम जल्दी जाहिर करेंगे। ये भी हर ज़िले में काफ़ी खुल सकते हैं जिसके कारण डायरेक्ट रोज़गार भी मिलेगा और एक प्रकार से सुविधा भी मिलेगी। ये अलाइड सेक्टर को भी इससे इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा। स्क्रैप मटेरियल में एक ऐसा एलिमेंट होता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल में, जो बैटरी का रिसर्च होता है उसमें एक NDFE मैग्नेट होता है, ये पुराने गाड़ियों से निकलेगा और उससे रेयर अर्थ एलिमेंट नियोडिमियम ये मिलता है और ये पुराने व्हीकल से मिलेगा जो EV व्हीकल के लिए मैग्नेट काम में आएगा। तो ये इसके लिए जैसे आप कंप्यूटर जो आपका हार्डवेयर है उससे भी एक ने लिथियम आयन निकालने का कोई प्रोसीजर निकाला है। तो ये अलग अलग प्रकार के रिसर्च हो, तो वेस्ट टू वेल्थ, कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ। तो इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, तो ये आई है जिससे नॉलेज टू वेल्थ और ये वेस्ट टू वेल्थ, तो ये दोनों का फायदा होगा। ये मेंटेनेंस कॉस्ट में काफ़ी कम आएगी। अभी तो मैंने एक विदेशी कंपनी है उनका ट्रक बना हुआ है, एक ने मुझे कहा कि 7 साल मुझे उसमें मेंटेनेंस नहीं लगा। तो नए व्हीकल जो आते हैं उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही निग्लिजिबल है। पुराने व्हीकल को तो रोज आपको 8 दिन में मैकेनिक के पास जाना पड़ता है,
तो ये जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम होगी, लाइट वेट होगा और फ्यूल इफिशेंसी बढ़ेगी। इसमें हमने इकोनॉमिक व्हीकल को भी एयरबैग्स मैंडेटरी की है, जो सुरक्षा के जो नियम थे जो अभी हमने इतने एक डेढ़ साल में काफ़ी स्ट्रिक्ट किए हैं कि ये कहीं एक्सीडेंट होता है तो गरीब आदमी भी जान बचनी चाहिए, तो इकोनॉमिक मॉडल को भी हमने एयरबैग्स मैंडेटरी की है। तो मुझे लगता है कि इसमें सिक्योरिटी और ये दोनों बातों में सामान्य जनता के हितों की रक्षा होगी। ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जो प्रकाशित करना है उसमें हमने सभी स्टेक होल्डर्स की टिप्पणियाँ विचार प्राप्त किए हैं। 30 दिन का अवधि तक पब्लिक डोमेन में ये रहेगी। स्क्रैप किए जाने वाले वाहन के क्राइटेरिया मुख्यतः व्हीकल फिटनेस पर, कमर्शियल वाहनों के मामले में ऑटोमेटेड फिटनेस केंद्रों के माध्यम से, प्राइवेट वाहनों के मामले में नॉन रजिस्ट्रेशन के आधार पर होगा। यह मापदंड जर्मनी, यूके और जापान इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के आधार पर जैसे विभिन्न देशों के श्रेष्ठ पद्धतियों को वैश्विक मानकों के बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ जोड़ा गया है। तो हमने कई इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है यूरोपियन स्टैंडर्ड और बाकी देशों के स्टैंडर्ड में। तो किसी भी वाहन का फिटनेस टेस्ट में असफल होने पर अथवा इसका रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करने में असफल होने से इसे एंड ऑफ लाइफ व्हीकल यानी वो डेड बॉडी घोषित की जाएगी, यानी स्क्रैप खत्म, उसका कोई कोई चांस नहीं होगा, घोषित कर दिया जाएगा। वाहनों के फिटनेस निर्धारित करने के लिए मापदंड मुख्यतः इमिशन टेस्ट, ब्रेकिंग और कई अन्य परीक्षण जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में उसके आधार पर किया जाएगा। संरक्षा उपस्कर जो केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार है, यह प्रस्ताव किया गया कि कमर्शियल वाहन फिटनेस साबित करने में असफल रहने के मामले में 15 वर्ष के पश्चात अनिवार्य रूप से डी रजिस्टर कर दिया जाएगा। इसमें डिस इंसेंटिव के रूप में फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए बढ़ा हुआ शुल्क कमर्शियल वाहनों के लिए इनिशियल रजिस्ट्रेशन की तिथि से 15 वर्ष से वाहन के लिए लागू होगा। यह प्रस्ताव है कि यदि प्राइवेट वाहन 20 वर्ष के पश्चात अनफिट पाया जाता है अथवा रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराने में विफल रहता है तो अनिवार्य रूप से डी रजिस्टर कर दिया जाएगा। इस डिस इंसेंटिव के उपाय के रूप में बढ़ा हुआ री रजिस्ट्रेशन शुल्क इनिशियल रजिस्ट्रेशन की तिथि से 15 वर्ष से वाहन के लिए लागू होगा। यह भी प्रस्ताव है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम, पंचायतों, राज्य परिवहन उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों और केंद्र तथा राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों के सभी वाहनों को रजिस्ट्रेशन के तारीख से 15 वर्ष के बाद अनिवार्य रूप से डी रजिस्टर और स्क्रैप किया जाएगा। इसमें आपको कभी स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस देखने को मिलती होगी तो एक बस ऐसी थी कि हॉर्न छोड़कर सब बचता था। तो ये अब 15 साल के बाद ये नहीं चल पाएगा। यह योजना पुराने सरकारी मालिकी की जितनी कॉरपोरेशन है इनको 15 साल में मैंडेटरी है स्क्रैपिंग करना पड़ेगा। यह योजना पुराने वाहनों के मालिकों को पंजीकृत स्क्रैपिंग केंद्र जो मालिक और स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे के जरिए पुराने और अनफिट वाहनों को स्क्रैप करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इन वित्तीय प्रोत्साहन में शामिल है स्क्रैपिंग सेंटर द्वारा पुराने वाहन के लिए दिया गया स्क्रैप मूल्य जो एक नए वाहन के एक शोरूम के मूल्य से लगभग 4-6% होगा। सड़क कर से निजी वाहनों के लिए 25% तक और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15% तक छूट का लाभ मिलेगा। वाहन विनिर्माता को स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र के एवज में नए वाहन खरीदी करने के ऊपर हमने सभी मैन्युफैक्चर से चर्चा भी की, काफ़ी लोगों की सहमति होने तक आई है और हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि 5% जो सर्टिफिकेट लाएगा उसको 5% आप स्क्रैपिंग पर छूट दीजिए, तो उस कीमत में भी ये होगा फायदा। अभी मैंने पार्लियामेंट में बताया कि अंदाजन नए स्क्रैपिंग पॉलिसी के बाद साधारण 30,000-40,000 GST साल का बढ़ेगा क्योंकि नए वाहन की बिक्री ज़्यादा बढ़ेगी, पुराने स्क्रैप होंगे। तो वित्त मंत्री को भी हमने कहा भी है कि राज्य सरकार के वित्त मंत्री उनके GST और राज्य भारत सरकार का GST बढ़ेगा, तो उनको कहा कि नए वाहन खरीदे में अगर ये 5% सर्टिफिकेट्स के साथ उन्होंने कुछ GST में कंसेशन दिया तो हमने उनसे अनुरोध किया है, उसका अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। आज भी मैंने सदन में अनुरोध किया है, अगर उनसे कुछ मिलता है तो अच्छा होगा। हमारे नए वाहनों के खरीदी से, क्योंकि पुराने स्क्रैप हो जाएंगे तो नए वाहनों की जो खरीदी बिक्री बढ़ेगी उससे साधारणतः हमारा अंदाज है कि 30,000-40,000 crore इसमें GST स्टेट और राज्य का देश में बढ़ेगा। अब उसमें राज्य का हिस्सा अलग होता है, इनका हिस्सा अलग होता है, तो एडिशनल रेवेन्यू उनको भी मिल रहा है, तो सबका फायदा है, विन विन सिचुएशन। थोड़ा बहुत वो अगर इसके कारण दे सके इनकरेजमेंट के लिए, तो अभी तक उन्होंने निर्णय नहीं किया है पर हमने उनसे अनुरोध किया है।
ये जो प्रस्ताव है सड़क परिवहन राज मंत्रालय पूरे भारत में पंजीकृत वाहनों के स्क्रैपिंग सुविधा की स्थापना के लिए RVSF को बढ़ावा देगा, ये पोर्ट के बाजू में और अलग अलग जगह पर। और उसके साथ एक भी प्रस्ताव ऐसा भी है कि गुजरात में जो अलंग है जहाँ पुराने शिप को डिस्कार्ड किया जाता है, तो वो उसके लिए हमने अभी जापान के साथ वो जो इंटरनेशनल उसके रूल्स रेगुलेशन थे वो स्वीकार किए हैं। तो वर्ल्ड के पूरे अभी भंगार करने के लिए जो स्क्रिप आते हैं स्क्रैपिंग करने के लिए वो अलग अलग आते हैं, तो उसको और डेवलप कर रहे हैं। तो वहीं से अब गाड़ियाँ भी आएगी, तो यहाँ भी हमने विशेष प्रकार की फैसिलिटी खोली है और जिसके कारण विभिन्न टेक्नोलॉजी के साथ प्रयोग करके यहाँ से स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक ये रॉ मटेरियल भी उपलब्ध होंगे और यहाँ बड़ा बिजनेस होगा और यहाँ भी डेवलप करने का हमारा प्रस्ताव है। एकल खिड़की के माध्यम से स्क्रैपिंग सुविधा को एक सरलीकृत पंजीकरण प्रक्रिया के साथ पर्यावरण और प्रदूषण मानदंडों के और कानून के सभी लागू अधिनियमों का अनुपालन करना होगा। इस तरह मंत्रालय राज्य सरकार निजी क्षेत्र में ऑटोमोबाइल कंपनियां आदि द्वारा PPP मॉडल पर स्वयंचलित फिटनेस केंद्रों की स्थापना को बढ़ावा देगा। इन केंद्रों में टेस्ट लेन, IT सर्वल, पार्किंग और वाहनों का निर्बंध, आवाजाही के लिए पर्याप्त स्थान होगा। हितों के टकराव से बचने के लिए फिटनेस केंद्र के संचालक केवल परीक्षण सुविधा प्रदान करेंगे और मरम्मत बिक्री की अतिरिक्त सेवाएं प्रदान नहीं कर सकेंगे। फिटनेस केंद्र के लिए ऑनलाइन समय दिया जा सकेगा और परीक्षण रिपोर्ट भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में तैयार किया जाएगा। प्रस्तावित स्क्रैपिंग नीति के आवेदन के लिए संभावित सीमा इस प्रकार है। फिटनेस परीक्षण और स्क्रैपिंग केंद्रों के लिए नियम 1 अक्टूबर 2021, 15 वर्ष से अधिक पुराने सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों के वाहनों की स्क्रैपिंग 1 अप्रैल 2022, भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए फिटनेस परीक्षण अनिवार्य 1 अप्रैल 2023, अन्य सभी श्रेणियों के लिए चरणबद्ध तरीके से फिटनेस परीक्षण अनिवार्य 1 जून 2024। जो विंटेज कार है उसके बारे में उनको स्क्रैपिंग की ये पॉलिसी लागू नहीं होगी, उनके लिए हम अलग से कुछ एक थोड़ी सी नीति जाहिर करेंगे। जो ऐसी कार है उनको मान्यता देंगे और वो विंटेज कार होने के कारण वो इसमें नहीं आएंगे। जो मुझे बताना था कुछ और, कुछ अगर आप कुछ और पूछना चाहते तो पूछो। अब हिंदुस्तान में इसकी इंडस्ट्री खुलेगी, अलग अलग राज्यों में खुलेगी, प्राइवेट वाले खोलेंगे। हाँ ऑलरेडी है, अभी कुछ जगह पर ऑलरेडी काम शुरू हुआ है। अभी पंजाब में एक है कि जो बाहर से पुरानी गाड़ियाँ खरीद के लाके उसका रिस्क्रैपिंग कर रहे हैं। ये प्राइवेट और निजी क्षेत्र ऐसा है, ट्रांसपोर्ट के लिए एक है और नॉन ट्रांसपोर्ट के लिए एक। पर्सनल व्हीकल्स के लिए तो 20 साल का है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए 15 साल का। दोनों एक, कोई भी हो एक ही। दोनों में 5-5 साल एक्सटेंशन होगा ना? कहेगा पेट्रोल की अगर गाड़ी होगी नॉन ट्रांसपोर्ट मतलब प्राइवेट, तो वो पेट्रोल 20 साल के लिए हो जाएगा और डीजल भी 20 साल के लिए होगा, 15 साल के लिए होगा। दोनों का एक ही नियम, दोनों का एक ही नियम, पेट्रोल डीजल का एक ही नियम। 20 साल के लिए होगा ना? यस, प्राइवेट व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल को 15 और प्राइवेट को 20 साल। और दिल्ली NCR में जो है, दिल्ली NCR में लागू होगा क्या? सब जगह लागू होगा, देश में लागू होगा। आप कैसे कोर्ट में जाएंगे? अभी पार्लियामेंट इज सुप्रीम, कानून बनाने का अधिकार हमारा है, कानून का इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार कोर्ट का है। अब अभी जो कानून मोटर व्हीकल एक्ट हमने पास किया है उसके अनुसार हमने किया, ये नया कानून बना इसके अनुसार अब सब चलेगा, इसको नहीं होगा। नहीं, पहली बात तो ऐसी है कि मैं अभी इसमें थोड़ा लीगल ओपिनियन लेंगे कि कोई भी ऑर्डर कोर्ट का होने के बाद, जैसे आपको मालूम होगा कि शाहबानो केस में एक बार सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देने के बाद पार्लियामेंट में उसका कानून बदला था। अब यह क्या होता है कि समय समय पर जो निर्णय सम्माननीय कोर्ट देते हैं उसका हम सम्मान करते हैं और वो ग्रीन ट्रिब्यूनल का भी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का करते हैं और हाई कोर्ट का करते हैं, पर उनके निर्णय के बाद जब पार्लियामेंट में नया कानून पास होता है
तो जहाँ तक अभी तक मेरे अंडरस्टैंडिंग से ऐसा है कि पार्लियामेंट का कानून सुप्रीम होता है और इसलिए वो कानून लागू होगा। फिर भी सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं तो हम लोग इसको लीगली वेरीफाई कर लेंगे। इसलिए पूछ रहे हैं, ये पॉलिसी है, नॉट एक्ट। दैट्स व्हाई आस्किंग सर, एक्ट नहीं है ना सर, ये आपको क्या जाना पड़ेगा सर? ये मोटर व्हीकल एक्ट में जो कुछ कलम के प्रावधान हुए हैं उसको, और लेकिन इसका लीगल ओपिनियन हम लेंगे। पर जहाँ तक मेरी सोच बहुत स्पष्ट है कि कानून बनाने का अधिकार संसद का है और कानून को इंटरप्रेट करने का अधिकार न्यायालय को है। कानून में इम्प्लीमेंटेशन करते समय जो कुछ बातें हैं उसमें उनका निर्णय अंतिम होता है। और पार्लियामेंट, ये केशवानंद भारती केस में ये प्रूव हुआ है कि पार्लियामेंट श्रेष्ठ की सुप्रीम कोर्ट श्रेष्ठ, विवाद था उस समय का, तो उस समय पार्लियामेंट इज सुप्रीम। फिर भी मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ और मैं थोड़ा सा लीगली वेरीफाई करूँगा, पर मेरा मत ये है कि हम इस समय मोटर व्हीकल एक्ट का आधार लेकर जो पार्लियामेंट ने पास किया उसके आधार पर जो भी नियम बनाएंगे तो वो पार्लियामेंट में नए परिस्थिति में पास किए हुए हैं, तो इसके पुराने जो कोर्ट के निर्णय होते हैं उसको लागू होते या नहीं होते, वी विल चेक इट। सर, इसमें क्या कि स्टेट गवर्नमेंट जो है 5 साल के लिए एक्सटेंशन दे रही है अपने, अभी जो बाकी स्टेट्स हैं वो 5 साल के लिए एक्सटेंशन, मेरे अंदाज से ये मैं वेरीफाई करूंगा लीगली, मेरे अंदाज से, क्योंकि लीगल पॉइंट है वो दे नहीं पाए। मेरे को लगता है इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा है कि 15 साल के बाद प्राइवेट व्हीकल जब फिटनेस सर्टिफिकेट लेगा तो 20 साल तक तो उसकी मुदत है ही, और जो कमर्शियल व्हीकल है उसको 15 साल के बाद नहीं है, 15 साल तक। लॉ कहता है जब गाड़ी का जो फिटनेस जैसे ही फेल होगा, इट हैज टू गो आउट ऑफ द रोड, तो 20 साल कहाँ से आए? आप जैसे एक्सपर्ट लोगों से समय समय पर मार्गदर्शन लेगा, हम देखेंगे क्या कर रहा है। अभी जो शुरुआत हुई है, कोई लीगल बातें आएगी तो वेरीफाई कर लेंगे। सर ये अभी क्या है कि ये लीगल प्रोसीजर है, देखिए एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ और नियम, तो नियम बनाने के बाद, एक्ट के आधार पर नियम बनाने के बाद वो ये जो मुद्दे उठ रहे हैं कि वेदर नियम जो है वे एक्ट का पार्ट है कि नहीं है, तो ये थोड़ा सा लीगली एक बार वेरीफाई कर लेंगे। 15 साल के बाद टेस्ट फेल हो गया तो उनको दोबारा अपॉर्चुनिटी मिली है, तो उसको रिपेयर करवा के फिर फिटनेस सेंटर में जा सकते हैं। 20 साल के बाद जब फेल हो जाता है तब उनको स्क्रैप करना ही पड़ेगा, एंड ऑफ लाइफ हो जाएगा। पहली बात तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग देखो, आप भी ये बात समझो, लिखने के पहले हम पर्यावरण को बचाने के लिए स्क्रैपिंग ला रहे हैं। अगर ये पुरानी व्हीकल और संख्या ज़्यादा होगी और 10-12 गुना पोल्यूशन करेगी तो पर्यावरण और ख़राब होगा और पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन बढ़ेगा। तो हम एयर पोल्यूशन को यानी पर्यावरण को अच्छा करने के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी बात ऐसी है कि इसमें से जैसी आपकी बातें कई अगर कॉन्ट्राडिक्शन मिलते हैं तो हम उसको बैठ कर चर्चा करके सुलझाएंगे। सर वो कितना करना और क्या करना उनका अधिकार है, मैंने इतना ही कहा है कि भाई GST अब राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों का इसके पॉलिसी के कारण बढ़ेगा, तो थोड़े बहुत कंसेशन अगर वो दे सकते हैं तो उन्होंने देना चाहिए, ऐसा उनसे अनुरोध किया। अंतिम निर्णय उनका है, हमने केवल उनसे रिक्वेस्ट किया। उसको बायो CNG में कन्वर्ट कर देंगे। देखो फ्यूएल अगर चेंज होता है और डीजल के ऊपर बायो CNG में कन्वर्ट होता है तो उसके इमिशन नॉर्म्स एकदम अच्छे हो जाते हैं, धुआं लगभग निकलता नहीं है।
ये सब बातों का जो संबंध है ये फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ है। एयर पोल्यूशन और फिटनेस, एक केवल बात आपकी है, इसका जवाब मेरे पास अभी नहीं है। वह ऐसा है कि डीजल व्हीकल के लाइफ को अगर सीएनजी में कन्वर्ट करके उसका फिटनेस बढ़ता है, तो अगर वो 15 साल के बाद पोल्यूशन के नाम से अगर फिट करता है, तो क्या हमें उसको आगे की अनुमति मिल सकती है या नहीं, ये अभी तक आया नहीं था, इसको हम वेरीफाई करेंगे। देखो सबसे इम्पोर्टेंट आप देखिए, फिटनेस का संबंध जो होता है दो, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसमें जितना होता है ब्रेकिंग सिस्टम से लेकर बाकी सब बातों का, और पोल्यूशन का संबंध होता है फ्यूल के कारण जो इमिशन नॉर्म्स है वो। अभी हमने BS6 के इमिशन नॉर्म्स स्वीकार किए हैं, तो इमिशन नॉर्म्स को स्वीकार करना और मैकेनिकल फिटनेस का उसके बारे में जो अमेरिका या बाकी यूरोपियन कंट्रीज में जो स्टैंडर्ड्स हैं उसकी मशीन ला रहे हैं हम लोग, तो एक एक गाड़ी को टेस्टिंग को टेस्ट देनी पड़ेगी। अब टेस्टिंग के बाद इसके बारे में निर्णय होगा। अब ये एक ने मुझे ये भी पूछा था अभी कि डीजल व्हीकल को रेट्रोफिट करके इलेक्ट्रिक में करने के लिए कुछ लोग आगे आए स्टार्टअप, और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होने के बाद उसका पोल्यूशन जीरो हो गया, पर उसका फिटनेस जो है उसमें ब्रेकिंग सिस्टम से लेकर जो हमारे नॉर्म्स में है वो भी उतना परफेक्ट है कि नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा। तो ऐसे धीरे धीरे नए नए प्रॉब्लम्स आएंगे, समय समय पर हम उसको एड्रेस करके ये जो स्पिरिट है इसका ध्यान में रखते हुए फिर आगे जाएंगे। सर एक चीज पूछनी थी सर, आपने 2024-2030 टाइमलाइन रखी है इंप्लीमेंटेशन शुरू करने की, सर आई यू कॉन्फिडेंट कि 2-3 सालों में इतने स्क्रैपिंग सेंटर देश में बन जाएंगे कि और इतने बड़े प्रमाण पर लोगों ने मेरे पास इंक्वायरी की है कि मेरे को जितने लोग आए मुझे पूछ रहे थे, और मैं स्क्रैपिंग अनेक सालों से बोल रहा था, तो लोग मिल रहे थे, मेरे अंदाज से कम 100 स्क्रैपिंग सेंटर्स 1.5-2 साल में तुरंत शुरू हो जाएंगे। बाद में एक स्क्रैपिंग सेंटर शुरू होगा जहाँ रॉ मटेरियल मिल जाएगा, तो उसका फिर वहाँ एंसिलरी इंडस्ट्रीज आएंगी, कॉपर वाला कॉपर लेके जाएगा, प्लास्टिक वाला प्लास्टिक लेके जाएगा, रबर वाला रबर लेके जाएगा, स्टील वाला स्टील लेके जाएगा, फिर वो उसके पार्ट्स बनाएंगे ऑटो कंपोनेंट्स के, जिसका बेसिक मटेरियल जो है। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी शुरू कब से मैडम, अभी 15 साल हो, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल को सब इलेक्ट्रिक व्हीकल को नए आने वाले व्हीकल को 2 साल वालों को अभी फिटनेस भी लेने का सवाल नहीं है, और वो पोल्यूशन भी होता नहीं उसमें से, आवाज धुआं ही नहीं निकलता तो क्या करेंगे। मेरे अंदाज से हमारे देश की ये जो दो चीज़ों में भारत की विशेषता है, एक पॉपुलेशन ग्रोथ और दूसरी ऑटोमोबाइल ग्रोथ, तो ये स्पीड देखते हुए ये काफ़ी बड़े प्रमाण पर लगेगा। अभी कभी कभी कुछ घरों में ऐसा हो रहा है, अब मैं ये जब से ये कानून कर रहा हूँ, मैं घर में जाता हूँ, लोग है 3 और गाड़ा है 5, लोग है 2 गाड़ा है 4, तो अभी धीरे धीरे लोगों के घर में भी और रोड पे खड़े कर देते हैं, पार्किंग नहीं रह गए कुछ नहीं होता, तो ये नेचुरली ये संख्या इतनी बड़ी है। दूसरी बात क्या हुआ कि संख्या बढ़ने से पुरानी गाड़ियों की कीमत सस्ती हो गई, तो जिसका 20-25 हज़ार रुपये तनख्वाह होता है वो भी गाड़ी खरीद लेता है, तो क्योंकि वो कीमतें कम हुई सेकंड हैंड कार की। तो एक प्रकार से ये जो देखते हुए अब उन आखिरी उसका सोर्स जो फिटनेस के कारण आ गया वो फिर स्क्रैप में जाएगी, तो वो संख्या कम होती जाएगी। आप कभी देखिए, आपको अनुभव के नहीं मालूम नहीं, आप कुछ डिस्ट्रिक्ट प्लेस और कुछ शहरों में जाइए, जैसे कोई चौक सुशोभीकरण किया होता है, कई सौंदर्यकरण दिखता है, तो कुछ जगह पर ऐसे खड़े हुए ट्रक और ये सालों साल रोड पर बेवारस करके पड़े हुए हैं स्मारक के रूप में, तो वो ऐसे लोग उठा के ले जाएंगे, वो स्क्रैपिंग हो जाएगा। सबसे ज़्यादा तो थानों में पड़े रहते हैं कई सर। एक परसों मुझे एक IAS ऑफिसर ने बताया, उसने किया हुआ प्रेजेंटेशन, ये उत्तर प्रदेश के बीजापुर ना क्या नाम है बिजनौर के कलेक्टर है, अपने मलिक साहब का लड़का है, उसने पुलिस स्टेशन की साइकिल है, ये मुझे बहुत पसंद है आइडिया, उसने वो पुरानी साइकिलें बहुत कम कीमत पे ख़रीदी की और गांव के मैकेनिक पूरे बिठाकर उसको पीला रंग लगाकर उसको अच्छा किया, और वो पुरानी साइकिलों को अच्छा करके अब लोग उसमें एक लेकर वहाँ छोड़ देता है, वहाँ छोड़ के तो व्यवस्था हो गई, तो 200-250 साइकिल ऐसी शहर में अब खड़ी हो गई जो पुलिस स्टेशन में पड़ी थी। तो सबसे बड़ी समस्या कोई होगी तो ये स्क्रैपिंग व्हीकल को देखना होगा, तो सड़े हुए व्हीकल 15-15-20-20 साल से ये दिल्ली वगैरह मुंबई में प्रॉब्लम, हमारे आप शहरों में आइए हर पुलिस स्टेशन में पुराने ऐसे पड़े हुए, कोर्ट की केस चल रही है, सड़ रहे,
तो ये इन इनके बारे में भी फिर निर्णय करना पड़ेगा कि इनको स्क्रैपिंग मिल जाए। एक सवाल तो ये भी है कि जैसे कई बार ये होता है कि गाड़ी 15 साल अगर मान कर गई है लेकिन वो फिटनेस में जाती नहीं है और गाड़ी चलती रहती है सबको, जाना पड़ेगा नहीं तो फाइन होगा। उसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट होगा तो चालान होगा ना, फाइन लगेगा। सर ऐसा जो नियम का पालन नहीं करेगा वायलेशन करेगा उसको सजा होगा। सर लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, टोल प्लाजा हटाने को लेकर भी आपने कुछ बयान, किस तरीके से होगा एक साल के? देखिए पहली बात तो ऐसा है कि आज पार्लियामेंट में मैंने जो कहा था वो ये है कि हम GPS टोल सिस्टम के आधार पर जा रहे हैं। तो जहां आप हमारे रोड पर वो सवाल आया था कि एक गांव में गांव के अंदर ही टोल है, रोज लोगों को इधर से उधर जाने में टोल लगता है उत्तर प्रदेश का, उन्होंने बताया। तो मैंने उनको कहा कि हम ऐसे सिस्टम बना देंगे कि रोड में एंट्री करने के बाद आपका GPS में आ जाएगा, बाहर निकलेगा वहाँ आएगा और उतने पैसे का बैंक अकाउंट से निकल जाएगा, टोल पे आपको कोई रुकना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं। और हमने ये भी NHAI चेयरमैन से मेरी मीटिंग हुई तो नए व्हीकल के लिए हमने GPS कंपलसरी किया है। अब इसके बाद पुराने व्हीकल को GPS लगाने का प्रॉब्लम आएगा, तो अभी हम जैसे वो 93% हमने ये सक्सेस किया है हमारा फास्ट ट्रैक, तो अब हम उनको GPS भी हमारे तरफ से दे देंगे। ये जो से फास्ट ट्रैक का टैग देते थे ना, तो पुराने व्हीकल को हम लगा देंगे, तो ये धीरे धीरे एटोमाइज हो जाएगी, सिस्टम में तकलीफ नहीं होगी। सर मेटल एंड स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन एक ऐसी संस्था है जो मेटल को बहुत रिसाइक्लिंग बहुत वो है, प्रोएक्टिव है सर, तो आप MSTC के साथ भी कुछ टाई अप करेंगे इसके लिए सर, या फिर उसका रोल क्या रहेगा सर? MSTC एक प्लेटफॉर्म सेटअप करेगी ये देखो ये वो भी कुछ काम कर रहे थे, हम लोग बैठेंगे सबके साथ, हमारे सेक्रेटरी रूम बैठ के करेंगे। आप डिक्लेयर कर दिया हुए लागू पार्लियामेंट के, ये NHAI DCL आज हमारी जो नॉर्थ ईस्ट और इसके लिए पाठक साहब आए क्या? हाँ आइए, तो आज वो यहाँ एक उन्होंने हमको बोनस के रूप में चेक दे रहे उसके, क्योंकि वो कंपनी है जो नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर उत्तराखंड के लिए, वो इलेक्शन ड्यूटी में गए MD। आई कितने रुपए का? 27 करोड़ रुपए दे रहे हैं। हाँ ये सेंट्रल किटी में जाता है। थैंक यू, आप सब खाना खा के जाइए, आप सबका बहुत बहुत आभार। सर एक सवाल, आसपास में जो सवारी गाड़ी खड़ी रहती है अभी खाना खाएंगे ना? नहीं, एक सवाल